अगर कोई भी अच्छी आदत शुरू करनी हो या बुरी आदत छोड़नी हो, इस बुक की समरी एटॉमिक हैबिट्स इन हिंदी जरूर सुने। इससे आपको अमेजिंग सीक्रेट्स मिलेंगे जिन्हें अपना कर आप गुड हैबिट्स बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं और लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। तो फिर शुरू करते हैं। क्या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, एक सक्सेसफुल पैसा कमाने वाला यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते, तो फिर ये बुक आपके लिए। किसी भी चीज़ में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने की हैबिट डालनी होती है, लेकिन अच्छी हैबिट कैसे डाली जाती है, इसी के सीक्रेट इस बुक में बताए गए हैं। इसके एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। पहला है, आदत कैसे बनती है, क्यू, क्रैविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, फोर स्टेजेस में बनती है। नंबर एक, स्टेज वन, क्यू यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है, जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल काम करते हैं। सेकंड, क्रैविंग, सिग्नल या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ की लालसा या क्रैविंग जाग उठती है। स्टेज थ्री, रिस्पॉन्स, फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हैं, यानी आप उस काम को करने लगते हैं। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। फोर्थ है रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा हुआ सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियाँ होने लगती हैं। लेखक कहते हैं, अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज वन में ही संभल जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाए। अगर क्यों मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म कर दें। डिजायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरे काम में लग जाए। जैसे आपका मीठा खाने का मन हो तो चुपचाप उठें, बहुत क्रैविंग हो रही है, कुछ नमकीन खाओ। इससे आपकी विल पावर बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, चार्जी महाराज ने बताया हुआ था एक बार। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। सेकंड है, अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। आइए अब देखते हैं कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चार स्टेप्स रखते हैं। नंबर एक, ऑब्वियस। ऑब्वियस का सरल अर्थ है क्लैरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें, मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे आपको कोई वीडियो बनाना है तो डिसाइड कर लें कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं, बिगनर है तो आपका टारगेट कितना होगा, वगैरह वगैरह। अगर आप दिमाग को यह टारगेट देंगे तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और वह इस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसे सोचेंगे कि वीडियो से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो ब्रेन कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि बहुत सा का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दें। ऐसे ही ब्लॉग के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हैं उसका भी गोल बना लें। एक पेज लिख सकते हैं तो बोलें एक पेज डेली लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आप आज तो 5 लिख डालें फिर एक हफ्ता तक कुछ भी ना लिखें। ऐसी बॉडी बिल्डिंग करनी है तो एक क्लियर कर लें कि कितने घंटे एक्सरसाइज करनी है, 15 मिनट, 30 मिनट, एटसेट्रा, जितना टाइम हो उतना कर। ऐसे ही कितने पुशअप्स करने हैं, ये पहले ही सोच है, 20, 40, 80, कुछ भी, लेकिन क्लियर। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखें कि दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो जाए, तभी वो उसे आपसे अचीव करवाने की कोशिश करें। स्टेप टू, अट्रैक्टिव, गोल को अट्रैक्टिव यानी मजेदार बनाएं। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसीलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत उछल कूद कर सकते हैं। जब फिर से फ्रेश फील करें तो 500 और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रिपीटेशन के बाद रेस्ट ले लें, दोनों दोस्तों के साथ गप सप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें, हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। थर्ड है इजी, गोल को अचीव करना इजी बनाओ। इसके लिए पहले तो असंभव गोल ना रखें, पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप्स करने की ना सोचें, वीडियो में भी 4-5 वीडियोस डालने की ना सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और आपको बहुत इजी लगेगा।
होम्स एंड सेटिस्फाइंग गोल से आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें आपका मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे, फैट लूज कर रहे, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आप उस अच्छी हैबिट को जारी रखने की मोटिवेशन मिलेगी। थर्ड है, लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें। टाइम एंड प्लेस, दोस्तों अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो दो काम जरूर करें। पहले उसे करने का टाइम निश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहाँ पर करेंगे ये भी डिसाइड कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं, ये सब तय कर लें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में बैठकर कहाँ बैठकर लिखें, तो टाइम एंड प्लेस सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। यही बात आपको ध्यान के संबंध में बताई जाती है कि टाइम एंड प्लेस निश्चित कर, एक निश्चित आसन पर निश्चित समय पर, तो आपको जो ध्यान करने में बहुत सारा भटकाव होता है वो नहीं होगा। फॉर द टाइनी हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट, दोस्तों कई छोटी हैबिट्स बनाएं, इससे आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना फायदा मिलेगा। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करें, हर दिन 10-20 मिनट किताब पढ़ें, जैसे इस ब्लॉग पर, इस वीडियो पर या ब्लॉग पर या किताब पर को आप पढ़ रहे हैं, हर दिन 30 मिनट नई किताबें लिखें, नई चीज़ों को देखें, ऐसे ही छोटी छोटी आदतें बनाएं, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डेवलप करने में मदद करें। 5वां, हैबिट से अपनी आइडेंटिटी बदलें। क्या लोग आपको लेजी बोलते हैं, क्या स्मोकर बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं, लोगों की नज़र में आपकी आइडेंटिटी क्या है। अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे अपनी आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपकी पीठ पीछे आपका वही नाम होता है, इसके लिए आपकी निंदा की जाती है, लेकिन आप बड़ी सरलता से अपनी आइडेंटिटी को आज और अभी बदल सकते हैं। आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए, और जैसे ऊपर बताया गया था, टाइनी हैबिट्स डेली, और नई आदत को बोझ मत समझिए। 15 मिनट ही कीजिए पर डेली कीजिए, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना है। सफल लोगों को की यही आदत होती है, वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। 6 है, आपकी इन्वायरमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों आप कहाँ उठते बैठते हैं यह भी बहुत मैटर करता है। सबको पता है गलत संगत का असर गलत होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप भी स्मोकिंग करने होंगे, लेकिन एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप में भी एक्सरसाइज करने की प्रेरणा आएगी। इसीलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत से बुरी संगत वाले दोस्त एक ना एक दिन जरूर छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से हो या शादी करके आपसे दूर चले जाते हैं। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, लेकिन जो बुरी या अच्छी आदत वो देकर जाएंगे वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उचित फैसला लीजिए। 7th है, सेल्फ कंट्रोल करना सीख। बुक में बताया गया है बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़रूरत होती है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो आज ही सिगरेट के पैकेट को, बुरी आदत को बोल रहे हैं कि आप उससे ज़्यादा ताकत हैं और आप उसके गुलाम नहीं हैं। जब भी बुरी आदत के ख्याल आए तो कोई एक्सरसाइज करने लग जाओ, जैसे पुशअप, सिटअप्स एंड रनिंग। जैसे ही आपकी सांस फूलने लगेगी आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। गुस्सा ज़्यादा आता है तो आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे सांस लेना शुरू कर दीजिए, ये चंद नाड़ी इससे खुल जाती है। आपको पता है गहरी गहरी सांसें जैसे ही आप लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से लेंगे आपके गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा, और ये छोटी सी टाइनी सी हैबिट्स आपको बहुत सारे डिजास्टर से बचा सकती है। ऐसी आप अच्छी आदत के लिए कर सकते हैं, दूसरी कोई अच्छी आदत पकड़ लीजिए। जैसे अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, इसके अलावा आप शांत हो जाइए, पानी पी के थोड़ी देर सो जाइए, कुछ खा लीजिए, इससे मूड चेंज हो जाता है। बॉडी बिल्डिंग में अगर पेन होने लगे तो बोले मैं स्ट्रांग हूँ, इतना पेन तो झेल ही सकता हूँ, आई लव पेन, और थोड़ी देर अपने आप को शांत रखिए। शांत रहने से वो पेन आप पर हावी नहीं होगा, इससे आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। और 8वां है, फैमिली और फ्रेंड्स का भी रोल होता है। हैबिट्स को डलवाने में फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत रोल होता है। अगर आपकी फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। कोई संगीत में रुचि रखता है और रियाज करता है तो आप भी करने लगेंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लग जाओगे। ऐसे ही फ्रेंड्स का रोल ऊपर बताया गया है, इसलिए आप अपने फैमिली के लोगों को भी अच्छी आदतों के लिए मोटिवेट करना चाहते हो तो इस पोस्ट को या इस बात को उनके साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। 9th है, बेशक धीरे चलें।
लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ो। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं होती। भागोगे तो हाँफ जाओगे और रास्ते में मिलने वाले अद्भुत नजारों को मिस कर दो। आज का इंसान जब देखो भागा जाता, किसी से आराम से और प्यार से बात करने की फुर्सत नहीं। लेकिन लालच की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो बंगले के लिए दौड़ने लगते हैं। बंगला आया तो बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस आ जाएगा तो ज्यादा प्रॉपर्टी की दौड़ शुरू हो जाएगी। यह सब जरूर हासिल करना चाहिए, लेकिन आराम से, ना कि 24 घंटे भागम भाग मचा कर। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए, उन्हें हेल्प करनी चाहिए तो हेल्प कीजिए, लाइफ को फुल एंजॉय भी कीजिए। इसलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी हैबिट डाल और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जाइए। बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे 5-10 मिनट ही क्यों ना। अगर नया वीडियो बनाना है, नई किताब लिखिए, तो वो 100-200 शब्द लिखिए और इससे आपको आदत हो जाए। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी, बूंद बूंद से हवा भरता है। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कम से कम एफर्ट करनी पड़े। इसका ये मतलब नहीं है गलत शॉर्टकट ढूंढना, नहीं। अगर किसी काम को करने के 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन होना वो सही चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो यह मत सोचो कि पहले मैं हर चीज़ सीख लेता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन आदि, फिर शुरू करूँगा। ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहले आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ सीखते रहिए। ऐसे ही नई किताब लिखना चाहते हैं तो बस शुरू कर दीजिए, फिर धीरे धीरे आपका काम शुरू होता जाएगा। इससे आपका काम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा और इसके लिए आपको बिना वजह पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए पहले आप अपने काम को स्टार्ट कीजिए, फिर सीखिए। और बहुत से लोग तो ऐसा कर भी रहे हैं, जैसे YouTube पर वीडियो डाल रहे हैं। YouTube एक जंगल है, जितना अंदर जाते हैं खो से जाते हैं, एक के बाद हजारों वीडियो देखते चले जाते हैं, फिर एक्शन कब लेंगे। इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचे और एक्शन लें। अपना बिजनेस, अपना काम जल्दी शुरू करें, पैसिव इनकम बनाने की सोचें। कोर्स में पैसा कमाने वाले टॉपिक से लेकर आसान सा SEO, सोशल मीडिया वगैरह भी सीख लें। आप बहुत सा गलत पढ़कर स्टार्ट करेंगे, इससे पैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए सही नॉलेज सही जगह से लें। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप लाखों कमा लें, लेकिन हाँ, लाखों कमाने से आप बच जाएंगे अगर आप जल्दी शुरू करेंगे और सीखते रहेंगे। 11th है काम जल्दी निपटाने का, 2-मिनट रूल। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं इस काम को बाद में करें, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं या टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है और फिर हम हवाई में उस काम को कर लेते हैं। तब तक बहुत से कामों का भी ढेर लग जाता है। इसीलिए काम को उसी समय करने की आदत डालें। इसके लिए लेखक ने 2 मिनट का रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले, आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोले इस काम को 2 मिनट दो। जैसे फोन का बिल आया तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दें। एक्सरसाइज का मन ना हो तो ब्रेन को बोलें चलो 2 मिनट कर लो। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन ब्रेन को मोटिव है, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हो तो फिर 15 मिनट करने के लिए भी मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे पढ़ाई का मन ना लगे तो बोले चलो 2 मिनट में फास्ट रिविजन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही पढ़ने लगेंगे 2 मिनट 20 मिनट भी बन जाएंगे। 2 मिनट रूल आप अभी भी लगा सकते हैं, जैसे लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी को और अच्छी बुक्स को पढ़ने के लिए आप पलट सकते हैं YouTube को या किसी दूसरे चैनल को। तो फिर बताइए कि आपको समरी कैसे लगी। आप दूसरों से 2 कदम आगे निकलने के लिए तैयार रहिए। आप कौन सी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं या नई आदत डालना चाहते हैं, जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस।